नमस्कार दोस्तों, माय उपचार के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आयुष पांडे और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उसका नाम है हेयर फॉल या हेयर लॉस। सरल भाषा में या हिंदी में समझें तो इसे टकलापन या गंजापन भी कहा जाता है। नॉर्मली हमारे बालों की जो संख्या होती है 1 से 1.5 लाख होती है, लेकिन रोज़ाना तौर पे अगर बाल टूटने लगें तो इससे मरीज या इससे कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और अगर ये अधिक मात्रा में टूटने लगें तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण भी हो सकता है। नॉर्मली अगर आपके बाल 50 से 100 डेली टूट रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति है, क्योंकि रोज़ के इतने बाल टूटना स्वाभाविक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मात्रा में आपके बाल टूट रहे हैं तो फिर ये चिंता का विषय है और इसका कारण खोजना हमें पड़ सकता है। आइए चलिए जान लेते हैं बाल झड़ने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। जहाँ तक पुरुषों में बात करें, वो उनमें जीन्स या जेनेटिक मेकअप की वजह से बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। वहीं महिलाओं में भी ये कॉमन होती है, बट पुरुषों के मुकाबले कम होती है। दूसरा, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अगर आपको तनाव है ये भी बाल झड़ने का कारण हो सकता है। महिलाएं जो लंबे समय से ओसी पिल्स या कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं ये भी बाल झड़ने का प्रमुख कारण होता है। वहीं महिलाओं में प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी भी बाल झड़ना देखा जा सकता है। वैसे कुछ इन्फेक्शंस जैसे सिफिलिस, टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, एचआईवी भी बाल झड़ने का कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण बाल झड़ने का आपका विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होता है। अगर आपके बालों को सही मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स ना मिले और इनकी कमी हो, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन सी, तो ये भी बाल झड़ने का बहुत प्रमुख कारण होता है। लंबे समय से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड जो कंट्रोल में नहीं है, यानी आप दवा ले रहे हैं फिर भी इनके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ये भी हेयर फॉल का कारण होता है। बालों में डैंड्रफ का होना, फंगल इन्फेक्शंस, टीनिया, लाइकेन प्लेनस, सोरियासिस भी प्रमुख कारण है बालों के झड़ने के। जहाँ तक बाल झड़ने के लक्षण की बात करें तो रोज़ाना तो हमारे 50 से 100 बाल गिरते ही हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में गिरने लगें, इससे ज़्यादा, यानी नहाते वक्त गुच्छे गुच्छे आपके हाथ में आ जाएं, सोते वक्त तकिए पे, या वर्कआउट करते हुए या कंघी करते हुए, तो ये चिंताजनक विषय है। जैसा कि मैंने बात किया, मेल पैटर्न टिपिकली साइड से बालों का झड़ना होता है और ऊपर की तरह से, और फीमेल्स का फ्रंटल रीजन और साइड से शुरू होता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखना शुरू हो जाएं, बालों की डेंसिटी और ग्रोथ कम हो जाए, तो तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट से मिले और उनसे आगे का ट्रीटमेंट और उपचार के बारे में सलाह लें। जहां तक बात करें, प्लेटलेट्स की मात्रा भी शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है बाल झड़ने का कारण पता लगाने के लिए। वही विटामिन, मिनरल्स, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पेंटोटेनिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, बायोटिन, इनके लेवल्स का पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। सही मात्रा में ये आपके शरीर में है या नहीं, जिसकी वजह से बाल झड़ना आपके शरीर में हो रहा है। आशा करता हूँ हेयर फॉल पे दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने माय उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, लाइक करें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आपको इससे जुड़े कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, वरना माय उपचार के ऐप या माय उपचार के वेबसाइट पर आके आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं।